बादशाह बट रहा है, किंग बट रहा है, इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसके कारण जिससे यहाँ पे लगातार 1 तारीख से और लगभग 17 तारीख के लिए 7 बजे सुबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा है, जिसमें कुछ ऐसे परिवार हैं कि जिनकी आजीविका प्रभावित है, उनको किसी प्रकार के खाने पीने की समस्या ना हो, इसलिए सरकार ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कराई है। प्रत्येक तहसील स्तर पर ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें वहाँ पे खाना बना करके और ऐसे जो आवश्यक समुदाय होते हैं जिनके यहाँ खाने की व्यवस्था ना हो तो उनको लंच पैकेट पका पकाया भोजन तैयार करके दिया जा रहा है। उसी के क्रम में यहाँ पे आज अतरौलिया में गेस्ट हाउस के सामने इनको लंच पैकेट बनवा करके इनको वितरित किया गया। सर कोई निर्धारित कि इतना देना है कि मतलब कि जितनी गरीब मिल जाए उतना? नहीं नहीं, जिसमें इसमें ये है कि आपको अपने क्षेत्र में घूम करके देखना है कि पहले किनके पास किनके रोज़गार ऐसे हैं जो बंद हैं, जिनको खाने की समस्याएं हैं, और आवश्यकता अनुसार उनको फिर पहुंचाना। इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। कब तक चलेगा ऐसा कोई? अभी जब तक लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू चल रहा है तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी और जैसा आगे शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वैसे उस प्रकार से कार्य किया जाएगा। आजमगढ़ अतरौलिया से बड़ी खबर बता दें कि तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में लंच पैकेट का किया गया वितरण। गरीब परिवारों में लंच पैकेट मिलते ही खुशियां उनकी लौट आई। बता दें कि क्षेत्र में गरीब लोगों को चिन्हित कर सरकार द्वारा लंच पैकेट वितरण किया जा रहा है। यह कार्य तब तक चलेगा जब तक कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। जिनके रोजगार पूर्णतः रुक चुके हैं, जिनको खाने के लाले पड़ चुके हैं, सरकार उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रामनाथ राजू की स्पेशल रिपोर्ट अतरौलिया से।